मेलघाट के धारनी तथा चिखलदरा तहसील में बीते कुछ समय से मलेरिया डेंगू नामक बीमारी के पैर पसारने की खबरें सुनने को मिल रही है, लेकिन अब इस बीमारी के बढ़ते प्रकोप ने यहां के ग्रामीणों को चिंता में डाल दिया है। इस बीमारी की चपेट में बड़ों के बाद अब बच्चे भी बड़ी मात्रा में ग्रस्त बताए जा रहे हैं। धारनी तहसील के कुछ ग्रामों में डेंगू को लेकर ग्रामीण सावधानियां बरतने नजर आ रही है। कोरोना के बाद शहर तथा ग्रामीण में डेंगू भी संकट बनकर उभर रहा है। हालांकि धारनी उपजिला अस्पताल स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं को लेकर अलर्ट बताया गया। कुछ दिनों पहले जिले के जिलाधिकारी पवनीत कौर ने मेलघाट के मुख्यालय के उपजिला अस्पताल को भेंट देकर स्वास्थ्य सेवा सुविधा संसाधनों का जायजा लिया था। चिखलदरा तहसील के विभिन्न गांव में उल्टी, दस्त जैसी शिकायतों से ग्रस्त बताए जा रहे हैं। इस प्रकार की समस्या से ग्रस्त ग्रामों में मेलघाट के पूर्व विधायक केवलराम काले ने भेंट देकर स्वास्थ्य प्रशासन से उचित कदम उठाए जाने की मांग की है। साथ ही ग्रामीणों से किसी भी तरह से अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। फिलहाल मानसून माह जारी रहने के बीच धारनी तथा चिखलदरा क्षेत्र के विभिन्न गांव गंदगी से ग्रस्त होने की जानकारी के बीच ग्राम सेवकों की ओर से अपनी ग्राम पंचायत की समस्या पर उदासीनता बरती जा रही है। समय रहते धारनी एवं चिखलदरा पंचायत समिति प्रशासन को गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। मेलघाट में धीरे धीरे पैर पसारते डेंगू को प्रशासन द्वारा हल्के में नहीं लेना चाहिए तथा शहर एवं ग्रामीण में मौसमी बीमारी तथा खतरनाक बीमारी डेंगू के प्रति जन जागृति सहित तत्काल उचित उपाय योजना करने की मांग सुजान नागरिकों ने की है। तस्मीन शेख सुलेमान मेमन के साथ जुगल किशोर जायसवाल, विदर्भ न्यूज, मेलघाट।